भाई मेरा नाम सलमान है, मैं भोइनपल्ली का रहने वाला हूँ। लकड़ी का पुल एल्टन होटल के पास से मैं चांदमीनार जा रहा था, वहाँ पे बस वाला और कार वाला दोनों ओवरटेक करके एक्सीडेंट हो गया। और वहाँ पे हमारे भाई भाई लड़ रहे, तो हमारे बहन उतर के छोड़ा है कार में से, ऐसा ऐसा उतरते कि बच्ची को लकड़ी लेके मार के लकड़ी तोड़ दिए, बहुत बुरा हमारे। और फिर पूरे मुसलमान एक हो गए अपने आलम को रोक रहे, तो पुलिस वाले आर्मी वालों को उतार के लाठी चार्ज कर रहे थे। कार में थे। जो एस आई साहब जो मारे हो कार में थे? कार में से उतर के बच्चों छुड़ा रहे थे। अच्छा, उनका भाई था भाई कार चला रहा था, लोग छुड़ा रहे थे, उतरते की मारना शुरू कर दी। अच्छा अच्छा, कौन सा टाइम पे हुआ? एक डेढ़ घंटा पहले हुआ। मारने के बाद एस आई साहब वहाँ से चले गए, कार में बैठा के लेके चले गए। कौन? पुलिस वाले लेके चले गए, कार में बैठा के लेके चले गए। एस आई साहब वहाँ से रुके या फिर वहाँ से चले गए? नहीं, चले गए चले गए। मिडनाइट एक I-20 गाड़ी जिसमें मोहम्मद रिजवान अली एक 22 साल का लड़का अपने फैमिली के साथ जा रहा था। ये खैरताबाद मेट्रो स्टेशन के पास एक सामने बस आ गई TS08UD6246। वो बच्चा गाड़ी को हटाने के लिए हॉर्न किया तो गाड़ी वाला बस वाला दबाया लड़के को, उसके बाद में बच्चा गाड़ी रुका दिया, बस वाला उतर के बदतमीजी से पेश आया, गाड़ी ऑफ कर दिया और बोल सो बदतमीजी से पेश आके बच्चे को मारा। और बस में जो 10-12 पैसेंजर्स थे वो लोग भी हाथापाई करके बच्चे को मारे। और इस दौरान में क्या हुआ कि इमीडिएटली पीछे से पुलिस की गाड़ी आई, वो पुलिस की गाड़ी में SI सूरज कुमार साहब थे जो अपने सहवाद PS के है, वो उन्हों गैदरिंग देख के बिना प्रोवोकेशन के एक रॉड एक छोटा अपना क्या होता है कपड़े का लाठी टाइप का स्टिक ले लेके मारन थोड़ी शुरू कर दिए, उसमें लकड़ी भी टूट गई, इसमें थोड़ा एक दो मोहतरमा को मार भी लगा इसमें। और इसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, जो भी बस है उसको अरेस्ट करेंगे पूरे लोगों को, और SI के खिलाफ भी सख्त से सख्त मतलब कार्रवाई करेंगे। डिपार्टमेंट कार्रवाई जो भी है हमारे कमिश्नर साहब को हम लोग बोल सो रिपोर्ट देकर उस पर एक्शन लेंगे और सस्पेंड हुआ तो सस्पेंड करा देंगे।